श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, अब 10वें अध्याय का महात्म्य कहता हूँ, आप श्रवण करो। एक समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी और पार्वती जी बैठे थे। एक हंस उनके दर्शन को आया। वह हंस ब्रह्मा का वाहन था। ब्रह्मलोक से मान सरोवर को जाता था। उस सरोवर में सुंदर कमल के फूल थे। वह हंस एक कमल को लांघने लगा। उसकी परछाई कमल पर पड़ी। वह हंस अचेतन काला हो आकाश से गिर पड़ा। तब उसी समय उसी मार्ग में भगवान शिव जी का एक गण आया। हंस को गिरा देखकर गण ने कहा, हे भगवान शिव जी, वह हंस आपके दर्शन को आया था, श्याम वन होकर गिर पड़ा। गण भगवान की आज्ञा से हंस को ले आया। शिवजी भगवान ने पूछा, हे हंस, तू श्याम वन क्यों हुआ? हंस ने कहा, हे प्रभु जी, मैं आपके दर्शनों को आ रहा था। मान सरोवर में कमल के फूल खिले हुए थे, मैं उनको लांघ कर आया। उससे मेरी देह श्याम वन हो गई और मैं आकाश से गिर पड़ा। कारण मैं नहीं जानता। यह सुनकर भगवान शिवजी हंसे। तब आकाशवाणी हुई कि हे शंभु जी, कमलनी से पूछो, वह कहेगी। कमलनी ने कहा, हे शिवजी भगवान, पिछले जन्म में मैं अप्सरा थी। मेरा नाम पद्मावती था। उस समय श्री गंगा जी के किनारे एक पंडित स्नान करके गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन राजा इंद्र का सिंहासन हिला। तब इंद्र ने मुझे आज्ञा दी कि तू जाकर उस पंडित की तपस्या भंग कर। आज्ञा पाकर मैं उस विप्र के पास गई और उसकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया। उस विप्र ने मुझे श्राप देकर कहा, हे पापिन, तू कमलनी हो जा। उसी समय मैं कमलनी हो गई। तभी से मैं गीता के 10वें अध्याय का पाठ करती हूँ। उसी से मेरा तेज है कि मुझको लांघने वाला काला होकर अचेत हो जाता है। तब हंस ने कहा कि मेरा यह श्याम वन कैसे श्वेत वन होगा और तू इस कमल देह से कैसे छूटकर देव देही पावेगी। तब कमलनी ने कहा, जब कोई श्री गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ सुनावेगा तब उद्धार होगा। तब एक ब्राह्मण वहां आया। उस पंडित ने सरोवर में स्नान कर शालिग्राम का पूजन कर 10वें अध्याय का पाठ किया। उसे हंस और कमलनी ने सुना। तब उनका उद्धार तत्काल हुआ। हंस श्वेत हुआ, कमलनी देवकन्या हुई। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, यह 10वें अध्याय का महात्म्य है जो आपने सुना है। गीता के 10वें अध्याय का महात्म्य समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए श्री हरि लक्ष्मी जी की जय। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय।